अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 1.4 का। ये तो बहुत ही आसान है। आप देखिए उस समय से हम आपको पढ़ा रहे हैं दशमलव वाला नंबर कौन सा शांत होता है अशांत होता है। यहाँ समझ लीजिए, अगर नहीं समझो तो शांत और अशांत क्या होता है। ऐसा नंबर, ऐसा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या जिसको कटाने के बाद कोई भी अगर संख्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दे रहे हैं यहाँ 5/2 और एक दिन लिख दे रहे हैं 1/3। कटाने के बाद यहाँ क्या होगा, ये जब कटाइएगा तो हो जाएगा 2×2=4, 1 बचेगा 0.25, 10। ये पूर्ण रूप से आपका कट जाएगा। लेकिन अगर इस नंबर को कटाइएगा, ठीक है, तो एक को अगर कटेगा यानी डिवाइड दिए, पॉइंट बैठेगा 0, 3×3=9, फिर 1 बैठेगा 0, 3×3=9, फिर 1, 0, 3×3=9। जब इसको हम कटा रहे हैं तो 10.3333 आ रहा है, इसको कटा रहे हैं तो ये रुक गया है, 2.5 आ गया है। तो देखिए ये रुक गया, इसमें बेचैनी नहीं है, यानी कि ये नंबर शांत हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। एक बोलते हैं कि ये नंबर कटा है, लेकिन यहाँ पे देखिए बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, यानी इसमें शांत हो ही नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी का वर्ड शांत और शांत वाला मत मिलाइएगा, यहाँ सिर्फ सेंस समझिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये रुक ही नहीं रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, ये अशांत है, यानी इसमें बेचैनी है। तो शांत और अशांत समझ गए। अब जानिए कि यहाँ पे शांत यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार का होता है, जो रुक गया वो शांत यानी टर्मिनेट हो गया, और जो नहीं रुका उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग दो प्रकार, यानी अशांत दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। अशांत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का। एक तो वही नंबर बार बार आएगा तो ये भी अशांत है, एक आएगा पॉइंट के बाद 2, 3, 6, 7, 8, 4 कुछ कुछ अलग अलग नंबर आएगा, ये भी अशांत है। ये दोनों में, दोनों अशांत है, दोनों में बेचैनी है। हाई तो शांत हो गया ना, कटाए तो ये रुक गया, ये तो ठीक है, तो जो रुक गया वो तो परिमेय है, इसको बटा में बदल ही सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात आता है, ठीक है, कि ये भी अशांत है, इसमें भी बेचैनी है, इसमें भी बेचैनी है, यहाँ देख सकते हैं दोनों में बेचैनी है, यानी दोनों अशांत है। लेकिन अंतर यही है, खुशखबरी ये है कि देखिए पॉइंट के बाद एक ही जैसा नंबर आ रहा है, तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, हम इसको परिमेय मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आ रहा है और अशांत है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। तो परिमेय में दो ठो आते हैं, कौन कौन, एक अशांत रहता है लेकिन सेम नंबर रहता है, और एक जो खुदे शांत हो, जो जो शांत है, और ये दोनों नंबर को हम लोग बट्टा में बदल सकते हैं, और जिसको बट्टा में बदले उसी को तो रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या हो रहा है। अब अशांत और अशांत, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए, ठीक है। एक जिसमें रिपीट होगा नंबर, एक जिसमें रिपीट नहीं होगा, तो जिसमें रिपीट नहीं होता है उसे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है। यहां देखिए अगला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली यहां पे परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, बिना लंबा विभाजन किए, देखिए ये बटा में है तो भाग देना है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं, स्टेट वेदर द फ्लोइंग रेशनल नंबर, ये तो रेशनल नंबर है, ही विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा, बोल रहा है कि यहाँ जो भी रेशनल नंबर नीचे दिया गया है, फ्लोइंग लिखा है, नीचे दिया गया है, इसमें देखिए कुछ है जो क्या शांत है, ठीक है, और कुछ ऐसा नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ठीक है। यानी कि एक तो वो अशांत है, ठीक है, और उसके बाद से वो रिपीट भी नहीं होगा, तो वही पता करना है। तो देखिए इसमें पता कर तो आपको अभी बताए हैं हम, देखिए शांत और अशांत डायरेक्ट समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पूछ रहा है कि ये जितना भी बट्टा वाला परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, इसको बताइए। तो अब बताइए, ये भी एक और चीज बोला है, हम लोग क्या किए कि भाग दे के चेक, यहाँ पहले ही लिख दिया है कि बिना भाग किए आप, विदाउट यानी बिना विभाजन मेथड से, बिना भाग किए आपको बताना है। ये कैसे संभव होगा भाई, बिना भाग किए कैसे पता चलेगा, कटेगा तभी तो दशमलव आएगा, दशमलव आएगा तभी तो चेक करें कि शांत होगा कि अशांत होगा। तो इसका एक रूल होता है, ठीक है, नीचे यानी कि कोई भी अगर बट्टा वाला नंबर हो तो नीचे अगर आपको मिल जा रहा है 2 और 5, यहां पे 2 का पावर कुछ भी हो, m और n, अगर नीचे अगर इसको आप क्या बना दे रहे हैं 2 या 5, तो समझिएगा वो शांत है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो शांत नहीं है, वो अशांत है। अब ये क्या बला है, नीचे मतलब क्या ये बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हम लिख रहे हैं 2/10, तो ये हम लोग पॉइंट में इसको कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यहां पे
अगर नीचे जीरो है तो जितना जीरो हटाते हैं उतना अंक के बाद ऊपर दशमलव बैठाते हैं। तो यहाँ पे दो ठो जीरो है तो दो ठो जीरो हटाएंगे तो दो अंक के बाद दशमलव, ऊपर एक ठो अंक है तो एक ठो अपने से जीरो लगा लीजिए, ऐसे हो जाएगा। बताइए ये नंबर शांत है कि नहीं, आगे बढ़ नहीं रहा है। वैसे ही देखिए होता क्या है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं नीचे क्या आना चाहिए, टू और फाइव। आखिर यही नंबर क्यों बोले, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा पाँच दूना दस, और नीचे बस कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो अगर भाग देना हो जीरो वाला से तो सबसे आसान होता है, जितना जीरो है उतना जीरो हटाइए, उतना अंक के बाद दशमलव से हटाइए, यानी एक दो तीन चार गो है तो एक दो तीन चार अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, हो गया इसका आंसर, ये खत्म। आ देखिए जैसे ही जीरो खत्म होता है वन भी हट जाता है, ठीक है। वन को आपको पता होना चाहिए, शरीफ है बेचारा, किसी से पंगा नहीं लेता है, जीरो हट गया तो वन हट जाएगा, फिर जीरो, ये देखिए फिर ये अगर पॉइंट हटाइएगा तो एक दो तीन चार गो अंक है तो चार गो जीरो फिर आ जाएगा, एक फिर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दशमलव में बदल जा रहा है कि नहीं, यानी जो भी रेशनल नंबर है परिमेय संख्या है उसको हम लोग क्या करना है, दशमलव में बदल देना है। और दशमलव में बदलेंगे तो शांत और अशांत यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन शांत है। यहाँ देखिए ये हटाएंगे तो चार अंक के बाद दशमलव बैठेगा, ये शांत है, इसके आगे नंबर नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो बस क्या आना चाहिए नीचे, अब बताइए इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ नहीं सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू इंटू फाइव, पाँच दूना कितना दस, दस तो आगे एक दो तीन जीरो है तो दो गो है ना बैठा दीजिए, एगो है ना कहीं से कहीं बैठा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे यही ना आएगा, पाँच दूना दस, एक दो तीन गो जीरो बैठा दिए, यानी कि नीचे अगर सिर्फ जीरो लाना है तो दो ही एक संख्या ऐसा है जिसको गुणा करने पर नीचे आता है, वो है दो और पाँच। ये अगर संख्या रहेगा तो समझिएगा कि वो शांत है, नीचे अगर ये दोनों मिल जाए तो इसको छोड़ के अगर दूसरा कोई भी नंबर आ रहा है तो वो शांत नहीं होगा, उसमें बेचैनी हो जाएगा, वो हो जाएगा अशांत, क्योंकि इसमें तीन नंबर ही आ गया। ये अकेले भी रहेगा तो भी शांत है, ठीक है। ये भी सिर्फ अगर फाइव नीचे आ जा रहा है तो भी शांत समझिएगा, ठीक है। अगर सिर्फ दो नीचे आ जा रहा है तो भी क्या, सॉरी, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और ये अगर दूसरा कोई इन दोनों नंबर को छोड़ के तीसरा कोई भी नंबर आया तो वो नंबर क्या हो जाएगा, अशांत। कहाँ पे, तो नीचे का बात किए। चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि शांत और अशांत यहाँ पे समझिएगा। नीचे है 31-25, पहले 31-25 को हम तोड़ते हैं, क्या क्या मिल रहा है कटाते हैं, देखते हैं क्या होगा। पाँच से कटाइए, पाँच से कटाइएगा तो हो जाएगा पाँच छक तीस, एक इकतीस है, 31 है तो यहाँ 12 हो जाएगा, पाँच दूना दस, पचास पच्चीस। फिर पाँच से कटाइएगा तो पाँच एकम पाँच, ये हो जाएगा पाँच दूना दस और पचास पच्चीस। फिर पाँच से कटाइएगा, पाँच दूना दस, पचास पच्चीस। फिर पाँच से पचास पच्चीस, फिर पाँच से हो जाएगा पाँच एकम पाँच। कितना आया पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे देखिए 13/5 आया, ठीक है। अभी बताया था नीचे क्या आना चाहिए, तो नीचे हमेशा आना चाहिए 2n और 5m, यानी नीचे बस हमको 2 और 5 आना चाहिए, या दोनों में से कोई एक भी रहेगा तो चलेगा। तो यहाँ 5 क्या आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका आराम से बन गया, ए 2, 4, 5, 6, 5 ही था। अब बताइए कि अब कहिए कि सर ये 2 कहाँ गया, दो भी तो रूल तो यही है कि 5 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती ऐसा लग रहा है तो लिख दीजिए यहाँ पे 2 का पावर 0, यहाँ 5 भी दिखने लगा 2 भी। ये 0 लिखने से फ़ायदा है, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू होता है 1। तो मान लीजिए इसका वैल्यू अगर मिटा के यहाँ 1 लिखते हैं, 1 में इतना से गुणा किया तो वही आखिर होगा, ठीक है। तो क्या फ़ायदा, जिसको ज़रूरत है वो लिख दो 2 का पावर 0, कितना भी बड़ा संख्या हो, ठीक है। हम आपको बोले कि यहाँ पे 34,634 रुपये हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे कि हम आपको इतना रुपए दे रहे हैं तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। तो यहाँ खुश होने की जरूरत नहीं है, ये 1 रुपया देने का बात किए हम, ठीक है। अब देखिए तो वैसे ही ये भी हो जाएगा। देखिए हमको नीचे क्या लाना है, याद रखना है बस ये 2 का पावर m या n और 5 का पावर m, यही आना चाहिए। तो एक वो मिल गया तो दूसरे में 0 बैठा देंगे, दोनों मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, लेकिन तीसरा इसको छोड़ के कोई नंबर आया तो समझिएगा वो क्या है, अशांत है। ये नंबर क्या हो जाएगा, शांत, फर्स्ट वाला शांत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला 8 को तोड़िए, जब 8 को आप तोड़िएगा 2 से 2 चौका 8, फिर 2 जाएगा 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कितना आया, 1, 2, 3, लिखिएगा 17/2 का पावर 3। तो 2 का पावर तो आ गया, 5 का पावर 5 इसमें नहीं आया है, तोड़ने पर कहीं इसमें कहाँ 5 आया है, तो इसमें अगर कहीं 5 नहीं आया तो लिख दीजिए 5 का पावर 0, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, आपकी मर्जी। बस एक रूल होता है कि 2 और 5 लाना है, 5 का पावर इसका वैल्यू 1 होता है। वैसे ही अगर ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
वैसे अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 64 लिखा है, यहाँ 455 लिखा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 455 को तोड़ते हैं। तो जब 455 को तोड़िएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, पाँच से डाइट कटाइए तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 1 5, ये कटाइएगा तो हो जाएगा 3 से कटाइए, ठीक है, हो जाए नहीं 3 से नहीं होगा, 91 है तो 91 किस टेबल में आता है, 7 से कटाइएगा तो हो जाएगा 7 1 7, 2 बचेगा 21, 7 3 21, फिर 13 से कटाइएगा 1, यहाँ क्या क्या आया, 5 × 7 × 13, 5 तो आया है, ठीक है, शांत का रूल है 5 आना चाहिए, लेकिन ये बिन बुलाए मेहमान का है आ गया है भाई, दो ही ठोको बुलाना है तभी शांत एक बात बोलता है कि देख भाई हम शांत रहेंगे, बस हमारे पास 2 नंबर होना चाहिए, 2 और 5, कहे कि ये दो को गुणा करने पर 0 वाला नंबर आता है, यानी 10 आएगा 100 आएगा इस बढ़ेगा, ठीक है, यही तो दूसरा नंबर आया तो हमारा रूल नहीं है भाई, वो किसका रूल है, तो अशांत का रूल है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है, जैसे ही यहाँ 5 आया तब तक तो ये ठीक रहा, लेकिन जैसे ही देखा कि दूसरा नंबर आया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। वैसे ही ये भी आप तोड़ लीजिएगा, वैसे ही ये भी डायरेक्ट दिख रहा है यहीं से अशांत है, टूटेगा ही नहीं तो क्या होगा, ना 2 आएगा ना 5 आएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, शांत हो जाएगा जब तोड़िएगा। तो वैसे आप 16 को तोड़ने की कोशिश कीजिएगा, 16 तो आएगा तो 2 2 2 4 2 8 2 16, ऐसे आप कर सकते हैं, कहीं कहीं 0 लगा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1600 हो ही जाएगा, 2 का पावर भी आप निकाल सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, इसमें का जितना क्वेश्चन है आप उसको ज़रूर बना लीजिएगा। यहाँ ये नंबर अशांत मिला, ये वाला शांत हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर आपका अशांत होना चाहिए, ठीक है। आगे और भी नंबर है, उसको आपको होमवर्क में दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ और, इसको पूरा का पूरा बना लीजिएगा तभी 2 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जो शांत है, हमने तो अभी इसको शांत में बदल दिया ना, अब उसको दशमलव में बदलिए, यानी कि जब नीचे 0 आ गया तो उसको किसमें बदलिए, दशमलव, शांत होगा उसी को तो बदल सकते हैं ना, ठीक है, तो उसको दशमलव में बदलिए। तो क्या कीजिएगा, नीचे का 0 हटाना है और जितना 0 हटेगा उतना ऊपर दशमलव उतना अंक के बाद बैठेगा वो क्वेश्चन, इसीलिए जो जो इसमें शांत होगा वो पहले देख लेंगे फिर हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ हम लोग देखते हैं आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए मजेदार भी है। अगर आप 1 नंबर क्वेश्चन में आपको बताए थे शांत और अशांत पहचानने के लिए, नीचे आना चाहिए 2 और 5, 2 और 5 क्यों आएगा, क्योंकि 2 और 5 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, और जब नीचे 0 आ जाता है, 10 मतलब क्या हुआ, 1 और 0 आया यानी 10 आया, तो 0 हटाइएगा तो दशमलव बैठ सकता है। तो जो जो उस 1 नंबर क्वेश्चन में शांत था उसी को दशमलव में बदलना है, तो जो शांत रहेगा वही तो दशमलव में बदलेगा, जो अशांत रहेगा उसको बदलने में परेशानी होगा। देखो यहाँ पे देखिए, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस डेसिमल नंबर इन क्वेश्चंस 1 अबव, यानी कि एक नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर जो एक नंबर क्वेश्चन है आप देख लीजिएगा किताब में, ठीक है, उसमें जो नंबर क्या है टर्मिनेट है यानी शांत नंबर है उसी को किसमें बदल देना है, यहाँ किसमें लिखना है, राइट डाउन डेसिमल एक्सप्रेशन दशमलव में बदल देना है, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जो नंबर शांत है, उस शांत नंबर को दशमलव में बदल देना है। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं कौन कौन शांत है, ठीक है, उसमें सब शांत नहीं था, बताया था आपको 1 नंबर शांत था, 2 नंबर था, 4 नंबर शांत है, इसके बाद ये अभी ये तो शांत दिख ही रहा है, क्योंकि नीचे क्या है 5 और 2 दोनों है, ये शांत है, ये 5 है तो ये भी शांत है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी शांत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम दशमलव में बदल रहे हैं, यहाँ लिखिएगा 13 1 नंबर 13/31/25, इसको जब हम तोड़े थे तो आया था कितना, इसको तोड़ के भी देख सकते हैं, ठीक है, 31/25 को जब हम तोड़े थे तो शायद यहाँ पे आया था 5 का पावर 5, 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा 5 6 30, 5 2 9 10 50 25, 5 से कटाइएगा तो हो जाएगा 5 1 5, 5 2 9 10 50 25, फिर 5 से कटाइएगा 5 2 9 10 50 25, और फिर 5 से हो जाएगा 50 25, यानी कि 1 2 3 4 5 वो आया था, ठीक है, 5 कितना बार आया है, 5 बार। अब देखिए जब 5 का पावर 5 हो सकता है ये, तो ये देखिए 2-3 तरीका से बन सकता है, आपको जो तरीका बेहतरीन लगे वो समझिएगा। हमको नीचे क्या लाना है, 0, नीचे क्या लाना है, 0, तभी तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो उतना अंक के बाद यहाँ 0 हटाएंगे तो उतना अंक के बाद दशमलव बैठेंगे। यहाँ आप एक्सपोनेंट अगर घातांक का नियम पढ़े तो एक चीज़ आपको बता दें कि अगर 2 का पावर 4 और यहाँ लिख दे 3 का पावर 4, अगर पावर सेम हो, ऊपर वाला सेम हो,
तो नीचे वालों को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 6। और जो पावर 2 है ना तो इसके बदले 1 लिखते हैं, ऐसे होता है। देख लीजिए ये 2 है तो 1, जैसे एक और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे 2 × 3 × 2 × 6। तो यहाँ पे होता था कि नीचे वाला बेस सेम हो तो पावर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, यानी 2 × 6 और 3 = 9। लेकिन अगर ऊपर का सेम हो नीचे का अलग अलग हो तो नीचे वाला गुणा हो जाता है, यानी ऊपर का। और जो 2 होता है उसको 1 लिखते हैं, यहाँ देखिए 2 है तो 1 लिखे, और ऊपर का सेम है तो नीचे वाले क्या कर दिए, गुणा कर दिए। यहां भी वही करना है, यहां पे हम लोग गुणा करेंगे लेकिन लाना है 0। आखिर 0 क्यों लाना है, 0 इसलिए लाना है ताकि 0, देखिए बहुत तरीका से बन सकता है, अगर आपको इतना ही शौक अगर बाबू है तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कीजिएगा तो बहुत लंबा चौड़ा का, यहां पे कोई रोक टोक नहीं लिखा है कि बिना डिवीजन मेथड के आप क्या कीजिए दशमलव में बदलिए, यहाँ कुछ आपको रोकना नहीं है, आप भाग देके भी निकाल सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ नीचे 0 आ जाए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो उसे दशमलव में बदलना काफ़ी आसान होता है। 3 0 है, 3 को 0 हटाइए तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 1 2 3, ऐसे आपका यही 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, आपका यही दशमलव में आंसर हो गया। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखिए वही हम ला रहे हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अगर 5 है तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। लेकिन गुणा कब करते हैं, जब ऊपर का पावर सेम हो, तो यहाँ लिख दीजिए ऊपर कितना है पावर 5, अब सेम। अब देखिए ये काम हमने जबरदस्ती किया है, ठीक है, यहाँ पे तो 31-25 को तोड़े हैं तो आया है इतना, ये खुद से किए हैं क्योंकि नीचे 0 लाना है। तो जो काम जबरदस्त यानी अपने मन से करते हैं वैसे ही काम ऊपर भी करना पड़ता है, ताकि यहाँ पे भी वही काम करेंगे 2 × 5 दोनों तरफ करते हैं। अपने से अगर देखिए अपने से अगर क्या करें कोई भी काम करें तो देखिए अगर 2 है तो इस तरफ आप फैसला रहे तो दोनों तरफ आपको लगभग बराबर, अगर दोनों तरफ से अच्छा बन के रहना है तो दोनों तरफ आपको बात बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर अपने से इनसे गुणा किए हैं 0 लाने के लिए तो यही चीज इससे भी करेंगे। कोई बोलेगा लड़का कि मान लीजिए कि ये हमको अच्छा नहीं लगा तो इससे ये फिर कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर यही बच जाएगा। अब यहां देखिए 2 × 5 यहां पे लिखिएगा 13 और 2 × 5 2 को 5 बार 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिख दिए। और यहां देखिए जब ऊपर का सेम हो तो नीचे का गुणा 5 × 10 का पावर कितना हो जाएगा 5, जो 2 होता है तो 1 ही 2। अब गुणा कीजिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32, अब 32 में 13 से गुणा कीजिएगा तो आएगा 416। अब बटा 10 को कितना बार लिखिए 5 बार, तो देखिए 10 × 10 × 10 × 10 × 10 ऐसे 5 बार अगर लिख रहे हैं तो गुणा करने पर 1 1 1 पहले नंबर में गुणा कीजिएगा तो चुपचाप से 1 पर 5 को 0 बैठा दीजिएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 को 0 है तो 1 पर 5 को 0 इतना ही होता है। अब बताइए आ गया ना ये, अच्छा ये आ गया तो 1 2 3 4 5 0 हटाइए तो 5 अंक के बाद दशमलव बैठाइए तो 1 2 3 अंक हो रहा है तो अपने से आगे 0 बैठा दीजिए, तो 1 2 कितना भी 0 आगे बैठाइए उससे मतलब नहीं है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे दशमलव आया, यानी कि इन द सेंस 0.004 यहाँ पे लिख दीजिए नीचे 0.00416 आपका आंसर आया। आइए वाला 5 था ऐसे ही, जब इसको हमने भाग दिया तो कितना आया, इतना 0 आया है, ये कटा के यहाँ पे दशमलव बैठा दिए हैं और वही चीज़ यहाँ साफ साफ लिख दिए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर तो वही है फिर 17/8, शांत है, अगर शांत है तभी तो दशमलव में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए 17/8 को तोड़िएगा तो 2 × 3 होगा। अब बताइए नीचे हमको 0 लाना है तो 2 है, 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन गुणा कब होता है, जब पावर सेम हो तो पावर भी लगा दीजिए। ये काम हमने अपने मन से किया है तो ऊपर भी अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा 17/5 को 3 बार 5 × 5 × 5, और यहाँ देखिए 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना हो जाएगा 3, सेम है वैसे ही। अब देखिए जब यहाँ पे ये नंबर होगा तो एक और चीज़ आपको हम बता दें, ठीक है, कि गुणा कीजिए 50 25 25 125 125 में 17 से गुणा कीजिए, जब 125 में आप 17 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा 17 × 5 = 85 हाथ में 7 हो जाएगा, और 17 × 2 = 34 34 + 7 कितना होता है 34 और आपका 40 से 41 के 1 हो जाएगा, हाथ में 4 होगा, 17 × 17 = 4 = 21 आपका आया कितना 21 15, ठीक है। और बट्टा में हो जाएगा 10 को 3 बार लिखिएगा तो 3 0 3 को 0 हटाइए 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए
तो 2.115, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आप यही क्वेश्चन ये भी वैसे ही बना ले सकते हैं, ये भी सब तो अब वैसे ही बनेगा। तो फिर हम लोग देखते हैं ये चार नंबर जो शांत है, ये और ये चारों क्वेश्चन जो इसके बाद वाला, ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए यहाँ पे जो फोर नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा नीचे नंबर है, तो बड़ा नीचे नंबर है तो पूरा को जीरो बनाने में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, इसलिए एक काम करते हैं हम ऐसे बनाते हैं 15/16 × 100 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं कि 16 में 15 से हमें भाग दे देते हैं, तो डिवाइड अगर हम करेंगे 16 में तो ये तो कभी कट नहीं सकता है, तो पॉइंट बैठाइए जीरो हो जाएगा। 16 नवा कितना होता है 144 होता है, ये कटाइएगा तो 6 होगा, ये घटेगा तो ये हो जाएगा, फिर जीरो बैठाइएगा, 48 होता है, ये हो जाएगा आपका कितना 10 में से 8 जाएगा 2 और 48, हाँ ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये बचेगा 1 तो 12 हो जाएगा, फिर ये 0 होगा, 16 × 85 = 96 = 112, ठीक है, ये हो जाएगा 10 में से जब 2 जाएगा तो 8 ये कट जाएगा, फिर 0, एक पॉइंट पर हमेशा 0 जितना मन करे उतना लगा सकते हैं, ठीक है, एक एक बार 16 × 85 = 80 कितना आया 0.9375, जब इसको हम कटाए हैं तो आया है कितना 0.9375, नीचे क्या बचा है 100। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है कि 2 को 0 नीचे है, जब 2 को 0 हटाएंगे ऑलरेडी यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो 4 अंक के बाद दशमलव है, 2 और अगर हटा दे तो 6 अंक के बाद होना चाहिए ना, क्योंकि 4 अंक के बाद तो ये खुद है, यहाँ से 6 अंक, इसमें तो 4 अंक है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे हम करेंगे क्या क्या, यहाँ देखिए लिखेंगे 9375, 4 अंक ऑलरेडी है, 2 अंक और 6 अंक हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा तो 0 लगा दीजिए और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे दशमलव, थोड़ा सा खूबसूरत लगने के लिए भी 0 लगा दीजिए, तो बताइए हो गया आपका दशमलव में बदल गया, यानी कि अगर इसको आप हटाइएगा तो 1, 2, 3, 4 को 0 बैठेगा, तो 4 को ये है, 2 को ये, 6 को, फिर पूरा का पूरा 6 0 हटाइए तो 6 अंक के बाद दशमलव बैठना चाहिए ना, क्योंकि हमारा काम है कि दशमलव में बदलना काम है, ठीक है, हम लोगों को यही क्वेश्चन बोला है कि 10 में बदले, तो 4 अंक के बाद पहले से ही 2 अंक और हटाएंगे तो 2 अंक के बाद और बढ़ेगा तो 6 अंक हो जाएगा, और यहाँ पे 4 अंक था तो अपने से 0 टैग करेंगे और उसके बाद 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। सेम वैसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ देख लीजिएगा 23/, यहाँ पे लिखा है 2^3 और 5^2, नीचे या तो 0 लाने की कोशिश कीजिए नहीं तो कटाने की कोशिश कीजिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम नीचे कोशिश करते हैं कि एक जैसा नंबर आ जाए, एक यहाँ पे अगर हम 5^1 से यहाँ पे हम गुणा कर दें, क्योंकि बेस सेम रहेगा तो पावर जुटेगा, तो ऊपर भी अपने से 5^1 से करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 एक ही बार होगा, यहाँ 2^3 × जब बेस सेम रहता है नीचे का सेम हो तो ऊपर का जोड़ते हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 23 में 5 से गुणा कीजिए तो कितना होगा 23 में, तो 5 × 3 = 15 के 5 हाथ में 1 और 5 × 2 = 10 और 1 = 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और ये जब ऊपर का सेम हो तो नीचे का गुणा करते हैं, तो 5 × 10 = कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बड़ा कर 10 को 3 बार लिखेगा तो 3 को 0 हो जाएगा, 3 को 0 हटाइए तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठता है, ठीक है, 1, 2, 3 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा आपके आंसर पॉइंट या फिर आगे 0 लगा दीजिए 115 आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे करना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, नीचे 5 है ही, आराम से बना सकते हैं, देखिए कैसे, ये अगर 6/5 है, ठीक है, तो यहाँ ऐसा कीजिए कि क्या आ जाए 10 आ जाए, तो 2 से गुणा यहाँ कीजिए, जब यहाँ पे अपने से कीजिएगा तो यहाँ पे भी अपने से करना पड़ेगा, ये 6 × 2 = 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10, 1 को 0 हटाइए तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, यानी 1.2 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो लिखते हैं सही से हम लोग, ये 0 हटाने के बाद से कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, 1 0 हटाएं 1 अंक के बाद दशमलव 1 भी हट जाता है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, तो आप इसको बना लीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीका से आएगा, अगर समझ में आया है तो इसे कमेंट कीजिए कि बेहतरीन तरीके से समझ में आए, और आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं ये होमवर्क के रूप में, एक क्वेश्चन अगर समझे होंगे तो एक क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा और कमेंट करके इसको बताइएगा कि ये आपका आंसर सही आया है कि नहीं, अगर नहीं आपसे बनेगा तो फिर आपको हम एक शॉर्ट वीडियो के रूप में आपको बना करके दे देंगे। तो फिर हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 1.4 का आखिरी क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मजेदार है और आपको बता चुके हैं रेशनल और इरेशनल नंबर उसी से रिलेटेड है, यानी परिमेय संख्या, जिस संख्या को बट्टा के रूप में लिख दे उसे परिमेय संख्या और जिसको बट्टा के रूप में नहीं लिखे, यानी कि 2 टाइप का ही परिमेय होता है,
एक होता है जो पॉइंट के बाद से ऐसा नंबर आए जो कभी खत्म नहीं हो लेकिन सेम नंबर है वो परिमेय में ही जाता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए, द फ्लोइंग यहाँ पे लिखा है रियल नंबर, देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये तो दोनों रियल नंबर ना, आपको बता चुके हैं हम वीडियो एक बनाए थे ठीक है रियल नंबर के नाम से, उसमें बताए थे कि रियल नंबर के दो लड़के ठीक है, एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, तो फिर दोनों मिलेगा तो रियल नंबर ही तो बनेगा, वही बात है। यहाँ पे कह रहा है कि बहुत सारे यहाँ पे रेशनल नंबर आपको दिया गया है, उसको हैव डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे डेसिमल के रूप में दिया गया है एज ए गिवन बिलो, नीचे आप देख सकते हैं ठीक है। इन ईच केस, प्रत्येक केस में डिसाइड करना है वेदर दे आर रेशनल और नॉट, इसमें प्रत्येक तीनों क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर, यानी कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी शांत जो नंबर हो उसे भी परिमेय, अशांत में जो नंबर बार बार रिपीट हो। तो एक बात हम बताए थे आपसे, अगर ऐसे बार बार नंबर आ रहा है तो यहाँ पे बार बार जब नंबर आता है ना तो उसके बदले में थ्री पर अगर रेकरिंग लगा देते हैं इसका मतलब यही नंबर बार बार रिपीट होगा, तो ये किस में आ जाएगा, रेकरिंग वाला भी आता है परिमेय संख्या में, किस में परिमेय संख्या में, यानी कि रेशनल नंबर आर ए टी आई ओ एन ए एल रेशनल नंबर में आता है। तो यहाँ देख सकते हैं एक तो ही शांत हो गया तो ये तो परिमेय है ही ठीक है, एक शांत वाला नंबर है एक अशांत वाला नंबर जो सेम नंबर है दोनों परिमेय में आता है, तो ये भी है परिमेय और ये भी है परिमेय, क्यों, क्योंकि ये तो रुक गया है और यहाँ पे रेकरिंग लग गया है, रेकरिंग का मतलब एक से लेकर नौ तक बार बार एक से लेकर नौ तक नंबर रिपीट होगा, तो जो नंबर रिपीट होता है वो भी परिमेय, लेकिन ये वाला नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये रिपीट हो रहा है लेकिन नहीं बाबू, पॉइंट के बाद एक दो है एक जीरो है, फिर पॉइंट के बाद एक दो है दो गो जीरो है, यहाँ तीन गो जीरो है, यहाँ चार गो जीरो, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये रिपीट थोड़े हो रहा है, नंबर तो आ रहा है 200, 2000, 20000, 2 लाख ऐसे ना बढ़ते जाएगा ठीक है, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे आगे पढ़ते हैं, दे यहाँ पे लिखा इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, अगर ये रेशनल जो भी है तो उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और उसके बाद से बोल रहा है कि यहाँ पे इसको बट्टा में लिखिए, बट्टा में लिखने के बाद बताइए उसके नीचे वाले हर के बारे में, देखिए कोई भी नंबर होता है ना जैसे 2/3 तो बोल रहा है कि यहाँ नीचे इसको हर बोलते हैं जिसको यहाँ क्यू बोल रहा है आपको ठीक है, ये हर के बारे में लिखना है, तो वही आपको बताए थे कि नीचे क्या आना चाहिए 2 का पावर n और 5 का पावर m, यहाँ इस फॉर्म में कौन कौन बदल सकता है उसी के बारे में आपको लैंग्वेज लिख देना है ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। देखिए ये है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या है नॉन रिपीट, यहाँ पे है रिपीटिंग है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत नहीं हो, ये भी अशांत है, शांत नहीं है अशांत है और ये भी अशांत है, दोनों में अंतर बस यही है कि ई नंबर में बार बार रिपीट होगा, एक से लेकर नौ तक में क्या लगा है रेकरिंग लगा है, रेकरिंग का मतलब ये बार बार रिपीट, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा इसीलिए ये अपरिमेय हो जाएगा ये परिमेय हो जाएगा। चलिए पहला नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक नंबर अब लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या करना है पहले बट्टा में बदलना है, तो बताए थे यहां से आप हटाइए दशमलव, जब दशमलव हटाइएगा तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, 9 को जीरो लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक को लेकर के 10 हो जाता है ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब बताइए कि इसको बोल रहा है यहाँ तक तो आपने रेशनल है कि नहीं है, तो ये रेशनल है, अब रेशनल है तो इसके नीचे वाले के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, तो हम कुछ कहना चाहते हैं, देखिए इसको बदलिए 43 12 यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको चेंज कीजिए, हो जाएगा ये 10 का पावर 9, अब इसको चाहे तो 2 का पावर n और m में बदल सकते हैं, कैसे तो लिखिएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखिए 2 × 5 क्या होता है 10 होता है ठीक है, और यहाँ भी 9 लगा दीजिए, यहाँ भी 9 लगा दीजिए, जब दोनों जगह आप 9 लगा दीजिएगा तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं जब ऊपर वाला सेम हो तो नीचे का गुणा हो जाता है 5 × 10 की पावर 9, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा ये 2 का पावर n और m के रूप में है, यहाँ देख लीजिएगा 5 का पावर, अगर है तो लिख दीजिएगा कि ये 2 का पावर n और m के रूप में है, और नहीं आप देख सकते हैं यहाँ दिख भी रहा है ठीक है, लेकिन इतना जानिए कि ये क्या है रेशनल नंबर है। वैसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले देख के ही पता चलता, सबसे पहले एक काम के लिखिएगा कि यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अशांत संख्या है,
और यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका हर होगा ही नहीं, ठीक है, हर संभव है ही नहीं, क्योंकि जब बट्टा में ही नहीं बदलेगा तो अंश और हर यानी नोमरेटर और डिनोमरेटर कहां से होगा, पी और क्यू होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिख लीजिएगा यहां पे कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, इसको लिखना होगा, लिख देगा दो नंबर लिख लीजिए, यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका लैंग्वेज क्या लिखिएगा, यह एक परिमेय संख्या है जो कि यहाँ पे q बराबर यानी डिनोमिनेटर इसको हर बोलते हैं, हर बराबर 2^9 और 5^9 के रूप में है, इसको क्या लिखिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन भी तो बहुत है, ये तो बहुत ही आसान है, देखिए इसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, ये आसान है, लेकिन तीन नंबर में आप लैंग्वेज लिख सकते हैं, लिखिएगा यह अशांत है लेकिन क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब ये अशांत है और परिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो q है, यहाँ पे बोला ना q के बारे में, q यहाँ पे कभी भी 2^n और 5^m के रूप में नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग रूल होता है बनाने का, ठीक है। वैसे ही इतना ही लैंग्वेज तीन नंबर का लिखिएगा, एक आपको रूल सिखाते हैं जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन था इसी से, रेकरिंग वाला को बट्टा में बदलना, ठीक है, बहुत स्टूडेंट गलत करते हैं, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जस्ट हम अभी उसको बताते हैं, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पे जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार है और इसको डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई भी दे देगा यहां पे, जैसे कि एक बार क्वेश्चन आया था रिकरिंग था ऐसे, ऑप्शन दे देगा इसको बदलना है फ्रैक्शन में यानी बट्टा में, हिंदी में भिन्न कहते हैं, भिन्न में बदलिए, 91 है तो लड़का सब क्या किया था, जैसे बताया है पॉइंट हटाया था और 2 जीरो लिख दिया था, 100 ऑप्शन में दिया था 91/100, ठीक है, 91/99, ठीक है, ऐसे ही था 91/10, ऐसे ही कुछ ऑप्शन था, लड़का क्या किया जब पॉइंट हटाया और यहाँ पे लिख दिया 100, ये ऑप्शन ये भी रहता है सही मार्ग, जबकि ये गलत है, ठीक है। हम आपको एक चीज से पढ़ा है कि पॉइंट हटाने पर 100 आता है, ये थोड़े ना बताया है कि रेकरिंग वाला पॉइंट हटाने पर 100 आता है, ठीक है, ये आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो रेकरिंग वाला पॉइंट हटता है तो क्या होता है, यहां समझिएगा 91 है रेकरिंग है, यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसे, तो देखिए जब रेकरिंग अपॉइंट दोनों साथ में हटता है, ठीक है, तो क्या आता है, 100 नहीं आता है, 9 आता है, क्या आता है, 9। यहां पे अगर दो ठो है, दो ठो पर रेकरिंग है तो 2 ठो 9, अगर यहां पे है ऐसे और रेकरिंग और ये रेकरिंग और पॉइंट दोनों हटेगा तो यहां पे 9 आएगा, यानी कि 9/9 यहां हो जाएगा 1। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है और इस पर रेकरिंग है तो रेकरिंग और ये हटेगा तो क्या आएगा, 9 आएगा, वो भी जितना अंक रहता है उतना 9 आता है, ठीक है। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है, बस ये अभी आप याद रखिए, एग्जाम में अभी तक आपका इसी टाइप का आया है, नहीं तो ऐसे अगर क्वेश्चन हो जाए 2.4 ऐसे तो आप यहां फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप क्या कीजिएगा, अभी जैसे हम बताए आपको कि रेकरिंग हटता है तो 9 9 आता है, तो आप लिख दीजिएगा सर तब इसका मतलब कि 234/99, तो ये धाय दे गलती हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी नंबर था इसके आगे कोई दूसरा नंबर नहीं था, अब देख सकते हैं पॉइंट के पहले, लेकिन यहां तो नंबर है ना, तो इसका रूल अलग हो जाता है, कैसे, तो यहां देखिए 2.34 पर रेकरिंग है, सबसे पहले काम कीजिए पूरा नंबर को लिखिएगा 234, ठीक, उसके बाद से किस पर रेकरिंग नहीं है वही नंबर घटाते हैं, यहां पे 2 पर रेकरिंग घटा दीजिए, अब बाकी इसके बदले क्या लिख दीजिएगा, 2 है तो 2 9, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ही होता ना रेकरिंग और ये, तो 34 में से जो जाएगा तो हो जाएगा 232 अब बट्टा में 99, ये आपका आंसर सही हुआ, ठीक है, ऐसे ही बनता है। वैसे इसके लिए हम एक और शॉर्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसमें इस टाइप का सब क्वेश्चन रहेगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही एक बार इसको स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग, अब देखिए आपका 1.4 पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि क्लास 10th के स्टूडेंट को ये पूरा का पूरा इससे बेनिफिट उठा सके, ठीक है, और आप तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा और पूरा जितना मन कर दबा के इसको शेयर कीजिए, ठीक है, आप जितना शेयर कीजिएगा जितना लाइक और कमेंट मिलेगा उसे अंदर से मोटिवेशन आएगा और फिर इससे भी ज़बरदस्त, ठीक है, ट्रिक के साथ हम लोग लेकर के आएंगे वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग अगले अब लेसन में, क्योंकि एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गया, तब तक के लिए जय।